श्री वासुपूज्य भगवान की जय हो। चक्र से या वज्र से भी मोह जो नसता नहीं, जिन नाथ तवे उपदेश से दूर मोई ना से सहजी। इंद्रादि से भी पूज्य स्वामी निवास पूज्य सुनाम है, सहजी पूज स्वभाव पाया नाथ सहजी प्रणाम। जयवंतो सदे बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा विरचित भगवान वासुपूज का मंगलकारी चरित्र। प्रथम बाल्यति भगवान, एक ही नगरी में पांच पांच कल्याणक हुए जिनके, ऐसी पूज्य नगरी चंपापुर, इसी परमात्मा का मंगल में मंगलकारी कल्याणक के प्रसंग में अपन यह पावन कथा प्रारंभ कर रहे हैं। जयवंतो मिला जकुमार भाई साहब, जयवंतो वासुपूज्य स्वामी प्रभु वर अनुसरण करू, ओ करे विरक्ति पर से निज का अनुभवन करू, निज आनंद निज मैं प्रत्यक्ष दिखाया, धनी धनियो वन मैं ब्रह्मचर्य अपनाया। भगवानात्मा भगवान आत्मा आनंदमय है, परम तृप्त है, रसीला है, रस कस ज्ञान के रस से लवालव भरा हुआ है। ज्ञान और आनंद रस में डूबेला परिणाम पर भगवान है। जैसे लौकिक जीवों की भाषा बोले तो वो रसगुल्ला मिठास से भरा हुआ है, टपकता रस है। ऐसे ही भगवान आत्मा रसीला है। तो भगवंत बता रहे हैं आनंद रूपी रस से भरा, निज आनंद निज मैं हे बबी, तेरा आनंद तेरा ज्ञान तेरा सुख तेरा सर्वस्व तेरे में ही है। निज आनंद निज मैं प्रत्यक्ष दिखाया, धनी धनियो वन मैं ब्रह्मचर्य अपनाया। भगवान जी निज का आनंद निज में है ये बताने के लिए अलग से उपदेश नहीं दिया। यौवन अवस्था में ब्रह्मचर्य को धारण करके ये दर्शा दिया कि आत्मिक आनंद आत्मा में भरा हुआ है। प्रभु का चरित्र प्रारंभ करते हैं। हो पहले बाल्यति तीर्थंकर बारवे स्वामी, चंपापुरी में पंच कल्याणक हुए, चंपापुरी में पंच कल्याणक हुए नामी।
प्रथम तीर्थंकर है, बारहवें तीर्थंकर और प्रथम बाल यति, पहले बाल ब्रह्मचारी भगवान। पांच कल्याणक जिनके चंपा नगरी में हुए, चंपापुरी में हुए, भगवान का पूर्व अवसर से पहले लेते हैं। पूरा विवावे में पदि मोत्तरे राजा वैभव वान थे, जिन भक्त शांत चेत ज्ञानी नीतिवान थे। रहती सजीवा बिना संयम में कब धरू, जीवंतो वासु पूज प्रभु बरे जयवंतो वासु पूज प्रभु बरे अनुसरण करू। पूर्व में पुष्कर दीप में, कौन सा दीप बोलो, पुष्कर दीप, उसमें नाम विशेष नहीं दिए, रत्नपुरी नाम की नगरी थी, पूर्व विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में। पुष्कर दीप रत्नपुरी नगरी थी, वहां के आप महाराजा थे, आपका नाम पद्मोत्तर था। क्या नाम था? पद्मोत्तर महाराज। रत्नपुरी और मूल गता में क्या लिया है? पद्मोत्तर राजा वैभववान, बाहर का वैभव पुण्य का वैभव के साथ साथ अंतर में जिन भक्ति का वैभव, भेद विज्ञान का वैभव, आत्मिक वैभव से जीव वैभववान होता है। जिसके पास आत्मिक वैभव नहीं है वो तो दरिद्र है। दरिद्रता, दरिद्र वो नहीं है जिसके पास में बाय वैभव नहीं। ज्ञानी कहते हैं दरिद्र भय है जिसे अपने आत्मिक वैभव की खबर नहीं है। वैभव बांधते हैं और जिन वक्त शांत चेत ज्ञानी नीतिवान थे, रहते सजीवावना संयम में कब धरूं। घर में रह रहे हैं, राज्य में रह रहे हैं, बाहर का बहुत ठाट वाट है, तो भी अंदर में ये भावना वर्तती थी, संयम में कब धरू, मैं कब संयम को धारण करूंगा, निर्गंत दशा को धारण करूंगा, निर्गंत मुद्रा को धारण करूंगा, ऐसी भावना रहा करती थी। आपका जीवन आनंदकारी मंगलकारी था। राज्याधिक में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहते थे, भावना ये रहती थी हम चैतन्य की प्राप्ति का निमित्त, चैतन्य की साक्षात प्राप्ति का निमित्त ऐसा संयम कब धरेंगे। और अंतःकरण की भावना यदि फलीभूत ना हो तो ज्ञानी कहते हैं ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा, 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। एक बार रत्नपुरी के मनोहर उद्यान में युगमंदर जिनराज पधारे, कौन से जकुमार भाई साहब, युगमंदर जिनराज पधारे हैं, हाँ दूसरे तीर्थंकर, रत्नपुरी के राजा थे
और वहीं पर मनोहर उद्यान उनका था, वहां पर भगवान युगमंदर का सीमंदर सीमंदर स्वामी युगमंदर युग अपना जो 20 तीर्थंकर विराजमान होंगे ना उसमें दूसरे तीर्थंकर, हाँ हाँ, बीच में सीमंदर स्वामी होंगे, वही पास में युगमंदर स्वामी होंगे, अभी वर्तमान में विराजमान है युगमंदर स्वामी समव शरण सहित। तो दूसरे तीर्थंकर भगवान युगमंदर, बोलो देवादिदेव युगमंदर भगवान की, भगवान के समव शरण की। श्री जी ने राज मारी नगेरी में आए आए, श्री जी ने राज मारी नगेरी में आए, आनंद मेरे ओरे न समाए रे, श्री जी ने राज मारी नगेरी में, पीतराग सर बागे तंकर, पीतराग सर बागे तंकर, तीर्थ प्रणेता श्री तीर्थंकर, तीर्थ प्रणेता दैरे दर्शन करके अमर साई, अहो जिन राज मारी नगिरी में। मनोहर उद्यान मनोहर हो गया था भगवान का समवसर। 12 सवा लगी राजा पद्मोत्तर को जब ये पता चला, बा उनकी माली ने आकर के सूचना कर दी, महाराज जय हो जय हो जय हो, ये आपको हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही है, जयकार दिखाई दे रहे। बोले क्या हो गया कि मनोहर उद्यान में युगमंदर भगवान समव शरण सहित आए, ओ हो इतनी प्रसन्नता हुई, तत्काल ही दौड़ पड़े पूरा नगर भगवान की वाणी सुनने के लिए पहुंचा है। युगमंदर तेवर मारे युगमंदर युगमंदर नामी युगमंदर, दरस वये मंगलमय स्वामी, दरस वये मंगलमय, दर्शन से निज दर्शन पाए, श्री जिन राज मारी नगिरी में। ऐसा लगना चाहिए आपको, जब आप भाई हो तब तो आनंद आता है, कथा का आनंद दर्द अतः सो क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि आप ये भावना भाव हम युगमंदर भगवान के बोलो सौ शरण में है, दिव्य वाणी खिल रही है। और राजा बैठ गए हैं पद्मोत्तर, हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन कर, दिगंबर संतों के दर्शन कर, और अपने स्थान जब बैठे हैं तो भगवान की देशना शुरू हो गई। जिन देशना सुनी करे अरे निसार लक संसार, बव बव दुख मुने क्षण भंगुर, दुर्भोगे अति दुख का। भगवान की देशना सुनी, देशना सुनने के बाद में संसार असार लगने लगा। श्रीमद रायचंद जी कहते हैं कि भगवान के ज्ञानी के वचन सुनने के बाद में भी यदि संसार प्रीति करने लायक लगता है तो तूने ज्ञानी के वचन सुने ही नहीं है। समय सार मई भगवंत की देशना सुनने के बाद में भी संसार यदि सार लगता है तो तूने भगवंत के वचन संतों के वचन बोलो सुने ही नहीं है।
संसार की असारता लगने लगी, समय सार की सारता लगने लगी भगवान की देशना सुनने के बाद में। क्या लगा? स्वप्न के राज्य सम वैभव संयोग सब जग के, मिथ्या इनकी प्रीति बाधक होते शिव मग के। महाराज पद्मोत्तर विचारने लगे, जैसे कोई नहीं स्वप्न में राज्य पाया हो, स्वप्न में राजा बन गया और उठने के बाद में बड़ा राज्य था, वो बड़ा राज्य का राजा था, बेचारा दरिद्र था, लोग थालियों में बड़े बड़े में मिष्ठान भोजन दे रहे हैं, पंखा किया जा रहा है, इधर तो उसकी नींद लग गई थी, कबाड़े में पड़ा था वो, तो जब नींद खुली तो कितना बड़ा राजा है बोलो, पता चला ये तो कुछ भी नहीं है, दारिद्र दशा है। ऐसे ही सपने के राज्य के समानी भोग है, वैभव है, पूरा संसार है। आपको पता है एक सेठ या राजा, उसका एक लौता बेटा, अंतिम काल आ गया उसका, दुखी चित्त में देखा, सब इलाज कराए लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, आके देह की छूटने जैसी स्थिति बन गई। उसका पिता बैठा था, पुत्र के वियोग का काल, माँ जाग रही थी, पिता थका था, नींद लग गई, नींद लगी तो उसमें देखा उसके चार बेटा एक बड़ा एक चार पांच बेटा है, साफ सेवा में लगे, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तब तक तो रोने की आवाज आ गई, ये खत्म हो गया, कौन सा इकलौता, तो उठा आंख खुली, हंसने लगा जोर जोर से। पत्नी बोली तुम्हें ऐसा ही हंसने की पड़ रही है, हैं? इधर जो बेटा चला गया तो हंस रहे को विक्षिप्त हो गए क्या, कभी पांच को रोऊं कभी एक को रोऊं, वहां तो पांच देख रहा था मैं, और जहां मुझे एक का वियोग, स्वप्न के पांच चले गए, जैसे वे स्वप्न के पांच थे ऐसे जागृत का एक है। एक तो आंख बंद करके स्वप्न देखता है और एक आंख खोल कर स्वप्न देखता है। आचार्य भगवान कहते हैं अपना वो देखते हैं ना जो आंख बंद करते हैं ना आंख खोलते हैं, अपितु नासाग दृष्टि जिनकी होती है वे अपनी दुनिया में होते हैं। अपने में रहने वालों की आंख बंद भी नहीं है और अपने में रहने वालों की आंख खुली भी नहीं है, तुम्हारी तो बंद हो रही है, क्यों है? हाँ, ये अपने में रहने वालों की आंख बंद भी नहीं है और खुली भी नहीं है। अपने में रहने वालों की आंख तो कैसी होती है? नासाग्र होती है। अपना जीवन अपनी दुनिया नासाग्र हो करके यानी अंतर्मुख हो करके देखते हैं, तो लिखते हैं ना भी सोचने लगे, ये राज्य है, ये वैभव है, ये कुछ दिखता है भाई, तो सब स्वप्न के राज्य के समान है। भगवान की देशना सुनने के बाद में ये विचार चलने लगा, सत्या इनकी प्रीति बाधक ये होते शिव मग के, त्रैलोक में साचा शरण निज आत्माई है, जिन वरे कहे तारण तरण तो तुम्हारी है। ये ज्ञानी त्रिलोक में साचा शरण तो शुद्ध आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा तारण तरण है, जो शुद्ध आत्मा को जान लेगा
वो तिर जाएगा। ध्रुवियात्मा अनंत सुख प्रदाता संयोग ही जिसमें नहीं वियोग क्यों आता। भगवान आत्मा ध्रुव आत्मा अक्षय अनंत कैसा है उसका कभी क्षय होने वाला अंत होने वाला नहीं है। रो संयोग ही जिसमें नहीं, क्या संयोग आएगा तो जयकुमार भाई साहब वियोग होगा। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका फल वियोग ना हो, ऐसा कोई भोग नहीं जिसका फल रोग ना हो, ज्ञानी कहती है। अब उसमें कोई संयोग ही नहीं है तो वियोग भी नहीं है। नीचे किया निर्ग्रंथ ओ आराधना करूं, जयवंत वासु पूज प्रभु वर अनुसरण करूं, ओ करे विरक्त पर से निज का अनुभवन करूं। सोच लिया कि अब राज्य प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, अब तो जिनराज का मार्ग अपनाने के लिए मुनिराज बनेंगे। निश्चय पक्का कर लिया और क्या किया, करके क्षमा सब जीव से भी मांग कर क्षमा, परिग्रह तज के तो कालुंचन कर राग को बमा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा किया और सबसे क्षमा मांगी। दीक्षा के पहले होता है और करके परिग्रह सज मुकुट फेंक दिया, राज वैभव तो पहले छोड़ ही दिया, वस्त्राभूषण फेंक दिए और केसों का लुंचन कर राग को बमा, बमा मतलब त्यागा, केस लुंचन करके शोक श्रृंगार के राग का त्याग कर दिया और वे महाराज त्रिलोक पूज्य मुनराज बन गए। और पद्मोत्तर महा मुनि महाराज की जय हो। पर ओती योग क्रिया निष्क्रिय आप ते रहते, गेयों से अति निरपेक्ष ज्ञायक आप अनुभव। योग के 28 मूल गुण पलते थे, कैसे पलते हैं 28 मूल गुण, तो ज्ञानी कहते हैं कि जैसे माँ की गोद में बेटा पलता है। मनो